बहुत बहुत शुक्रिया रितु यहाँ पर आने का। और नाश्ता तो खाना चाहिए ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, पर आजकल के जमाने में आप जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं खाना ही नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस सेइंग में। ब्रेकफास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एब्सोल्युटली। लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। खैर, अभी तो ये जो प्रिंस वाली जो पुरानी या किंग वाली चीजें हैं घर में हम लोग बनाते हैं। खाना खजाना में बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं हमने, पराठे हो गए या कोई ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं। बहुत सारे लेटर्स हमारे पास आए कि आप ऑमलेट जैसे होटल में बनाते हैं वैसे बताइए। तो ये जो ऑमलेट है एक दो तरीके के बता देता हूँ मैं। अच्छा, ऑमलेट कैसे आप अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? मैं तो घर वाला ऑमलेट बनाता हूँ। घर वाला बनाते हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा काम आपसे करा लूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंडा तोड़ लेते हैं जी। ये तरीके हैं कि मैंने सोचा कुछ आप शायद फिल्मी तरीके से अंडा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मैं। ओहो हो, क्योंकि उछालने वाला नहीं, वो उछालने वाला पता नहीं इधर उछालते हैं कहाँ गिरता है। कुछ कुछ फिल्मों में कहीं ऐसे तोड़ते हैं, कुछ कुछ लोग पता नहीं ऐसे तोड़ते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो सिंपल। तो एक और तोड़ देते हैं और ये चलिए इसको फेंट लिया जाए। और नमक के साथ में ऑमलेट में जो बहुत जरूरी चीज है वो है अंडे को फेंटना ताकि इसमें हवा अच्छी तरह से भरी जाए। अब आप इसको एक बीटर से बीट करें या इससे बीट करें? हाँ, इसी से भी अच्छा। एक काम करते हैं कि अब होटल में लगता है कि इतना बड़ा ऑमलेट बनता है, अब उसको दो अंडे का भी बना सकते हैं, तीन अंडे का भी बना सकते हैं। अब इसको फेंटने के लिए जितनी इसके अंदर हवा भरी जाएगी ऑमलेट उतना लाइट, इसीलिए अच्छी तरह से इसे फेंट लें। और अब काम करते हैं, ये जो ऑमलेट है प्लेन भी बनाया जा सकता है या कुछ स्टफिंग हो सकती है, या हमारे यहाँ पे मसाला ऑमलेट बड़ा पसंद है कि प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब डाला जाए, तो कुछ उस टाइप का भी बना देते हैं। तो ये पैन नॉनस्टिक पैन में बनाए तो अच्छा है, नहीं तो जो नॉर्मल पैन है उसमें भी बन जाएगा। ऑमलेट में दिक्कत क्या आती है कि सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन चिपक रहा है, चिपके नहीं। तो उसके लिए अगर नॉनस्टिक पैन नहीं है तो पैन में थोड़ा ज्यादा तेल लेकर गरम कर लें और फिर पैन में से तेल निकाल लें। ओके। तो वो सीजन हो जाएगा और चिपकेगा नहीं। ओके। या सो इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये मैं इसमें बताता हूँ कि क्या हम करने जा रहे हैं। अच्छा, प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है। दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है कि ये प्याज टमाटर ये मिक्स करके अंदर स्टफ कर दिया जाए। हाँ। लेकिन वो नजर नहीं आएगा, बाहर से तो प्लेन दिखेगा, अंदर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ये अगर चीजें डाल रहे हैं खास तौर से प्याज और ये शिमला मिर्च है तो थोड़ा सा उसको सौते कर लिया जाए। पहले ही? हाँ, पहले ही सौते कर लेंगे। तो तेल गरम करके ये प्याज शिमला मिर्च, चलिए टमाटर भी, यहाँ पे बस मशरूम भी पड़े हुए हैं, क्यों ना मशरूम भी थोड़े से डाल ही दें, अब इतना कुछ डाल रहे थे। अच्छा, आपको वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है, नॉन वेज या सब कुछ खा लेते हैं? सब कुछ। सब कुछ ना, चलिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग हैं जो वैसे वेजिटेरियन लेकिन अंडा खा लेते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं लेकिन अंडा दिखना नहीं चाहिए। तो खैर, ये अच्छा इसमें थोड़ा पेपर डाल दें, freshly crushed black pepper। अच्छा, ये अंडा पूरा डाल दूं? चलिए पूरा डाल दूं। बना तो ऑमलेट रहे हैं लेकिन जैसे स्क्रैम्बल्ड एग कैसे बनाते हैं हम लोग, अब इसे हम फोल्ड करेंगे। अब क्योंकि ये नॉनस्टिक है तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, अच्छा अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी स्टफिंग डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए चीज है यहाँ पे तो चीज क्यों ना डालते हैं? लाइट एकदम। और ये उसके बाद में इसको हम फोल्ड करेंगे। ये जो ऑमलेट है इसे आप देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, दो साइड से और बीच से पूरा, इस तरह से नहीं, साइड से और बीच में से हल्का सा। और इसके बाद
इस तरह से दिखने में एकदम क्रेसेंट शेप बनना चाहिए। और देखिए उसके जो एजेस हैं वो कितने नीट हैं, कितना आसान है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मुश्किल वाली चीज़ है। बना के देखें तो एक काम करते हैं हम कि एक और पैन ले लेते हैं और तेल, और मैं इसमें अंडा तोड़ता हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा पेपर। ओके, अब ये मैंने अंडे फेंट दिए, नमक डाल दिया, पेपर कर दिया, पैन रेडी है, उसके अंदर तेल है। अब आप ऑमलेट बनाएं। बिल्कुल वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ऑमलेट आसानी से बन सकता है। तो ये हो गया, अब अंडा फेंटा हुआ है। हाँ। नहीं, वो नहीं डालेंगे, अच्छा सिर्फ प्लेन बनाते हैं, प्लेन बनाते, क्योंकि शेप जो है वो हमें प्लेन की भी आ जाए। तो ये हमने अंडा डाल दिया, अब उसके बाद में इसे आपने सब मिक्स कर देना है इससे। अच्छा। ये अच्छा वैसे, हाँ हाँ, सिर्फ मिक्स कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, घबराने कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मिक्स कर लिया। अच्छा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसमें चीज तो डाल ही देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी डाल ही देते हैं, और चीजें भी सब, लाल कलर भी, थोड़ा सा लाल कलर भी डाल ही देते हैं। ओके, अब आप इसको फोल्ड करें। मैं फोल्ड करने का बताता हूँ आपको, इधर साइड से पहले फोल्ड करें। हाँ लीजिए, हाँ कोई कोई बहुत अच्छा। अब इस, हाँ। ये इधर से, ओके, है ना, सिंपल, कितना सिंपल है, आराम से बनाया जा सकता है। और वैसे घर पे जितनी माएँ हैं, अगर बच्चों को ट्रेन कर देना तो बच्चे ऑमलेट कितना आसानी से बना लेते हैं। Absolutely. मेरी जो डॉटर है वो फ्राइड एग, उसको बनाना बड़ा अच्छा लगता है, अंडे तोड़े और वो तो माइक्रोवेव में बना लेती है। खैर, माओं का काम मदर्स डे पे इजी नहीं होगा तो कब होगा।